हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि NTA नेट दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसे हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं और नेट प्लस JRF ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि दूसरे दोस्तों का किस तरह से नेट हो जाता है और हमारा नेट रह जाता है, और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि इसके लिए नेट के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है और कौन से नोट्स पढ़ने और कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ज़रूर देखना, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि आपका नेट किस तरह से क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखिए, अगर ध्यान से देखें तो हमारा नेट कब क्लियर हो सकता है, जब हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तभी हमारा नेट क्लियर हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें ओल्ड पेपर डाउनलोड करने हैं और उन्हें देखना है कि कौन से क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और फिर हमें उन पर फोकस करना है। और इसके लिए दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट और आपका जो पेपर सेकंड है, यानी कि पहले जो UGC नेट के द्वारा, CBSE नेट के द्वारा होता था, उनमें दो पेपर होते थे, पेपर सेकंड और थर्ड। ठीक है, उन दोनों को हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक नोट्स दिखा रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हमारे इस नोट्स में से करीब 18 क्वेश्चन जुलाई 2018 में आए थे। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये हमने एक नोट्स बनाया हुआ है, इसके अंदर 2012 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, और ये इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे कम्युनिकेशन के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग किए हैं, रिसर्च के जो जो आए हैं वो अलग किए हैं, टीचिंग के जो जो आए हैं वो अलग किए हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट में अपने जो जो सब्जेक्ट आते हैं उन सभी के क्वेश्चन मैंने अलग अलग किए हैं ईयर वाइज, जिससे आपको आसानी से पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में रिपीट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले आ चुके थे, डिट्टो कॉपी आ चुके थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारी वीडियो है, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन है, यहाँ पे भी उसका लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे इस नोट्स में से 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी रिपीट हुए हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो ये नोट्स आप ले सकते हैं, और इसके अंदर मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे रखे हैं, जिसे आप देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। और इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग करके, यानी कि 2012 से लेके 18 तक कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग है, टीचिंग के जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग है। ठीक है, तो इस तरह के मैंने हर सब्जेक्ट के अलग कर रखे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं और तो आप हमारी वेबसाइट है निमीजी नेट, वहाँ पे जाके हमारे ओल्ड पेपर है उन्हें कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड के दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने नोट्स आपको दिखाया इसकी कुछ कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई दोस्त इसे लेना चाहे तो वो हमसे ले सकता है, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप ये PDF हमसे ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये आती है कि हमें UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बुक्स भी बता रहा हूँ जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे पास नेट से रिलेटेड आपको बाज़ार में और इंटरनेट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी जो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी बुक्स में एक ही बातें घुमा फिरा के लिखी हुई है। और दोस्तों, अगर हम सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक की बात करें तो वो ये है, UGC नेट की है, और ये 2018 के अंदर आई थी, KVA समाधान ने ये निकाली थी। ठीक है, और इसके अंदर सबसे खास बात ये है दोस्तों, इसने नए पैटर्न के अनुसार इसके अंदर सारा मैटर दिया हुआ है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा रखा है। और दोस्तों, अगर आप किसी भी YouTube चैनल पे जाना, UGC नेट से रिलेटेड जो है, NTA नेट से रिलेटेड जो है, उस पर आपको पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जो
बुक है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक आपको यही मिलेगी। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको रियल में अगर आपको नेट क्लियर करना है, जेआरएफ लेना है, तो आपको ये दो काम ज़रूर करने पड़ेंगे। एक तो जैसे मैंने ओल्ड पेपर बताया, ठीक है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दूसरा, ये जो मैंने बुक बताई केवीए समाधान की, ये बुक पढ़ना आप, इस बुक में सारा निचोड़ दे रखा है। आप 10 बुक पढ़ लेना यूजीसी नेट की और ये पढ़ लेना, ये बराबर है, ये इक्वल है, ठीक है। इस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसे बहुत से लोगों ने रिकमेंडेड किया है। और दोस्तों एनटीए नेट दिसंबर 2018 की स्टडी करने के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, पीडीएफ में लेना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों के लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और एनटी नेट दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारी एक वेबसाइट है nimiji.net, वहाँ पे विजिट करके भी आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एनटी नेट का काफ़ी तरह का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे भी एक बार विजिट करके ज़रूर देखना। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जल्द ही हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, और वो जो कोर्स है बिल्कुल फ्री कोर्स है दोस्तों, उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आज या कल के अंदर वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको अगली वीडियो में पूरी प्लानिंग बता दूँगा कि कौन से दिन कौन सी वीडियो आएगी, पहले हम कौन सा टॉपिक करेंगे, फिर कौन सा टॉपिक करेंगे, यानी कि पूरी प्लानिंग उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा। तो आप जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।